ओके, हम निकल रहे हैं भिगवन के लिए। अब यहाँ से हम जाएंगे हड़पसर। और फिर वहाँ से हम सब मिलके निकलेंगे भिगवन टुवर्ड्स सोलापुर हाईवे। तो अभी टाइम क्या हुआ है? अभी 5 में 10 मिनट लगेंगे हड़पसर पहुँचने में। वहाँ पर सब लोग हैं, आए हुए हैं हड़पसर। भिगवन यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है हम 6:30 या 7:30 बजे तक तो भिगवन पहुँच जाएंगे, और पहुँच जाना भी चाहिए क्योंकि अगर हम देर से वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सनराइज़ के वक्त जो बर्ड्स वहाँ पर होते हैं, जो पक्षियाँ वहाँ पर होते हैं, कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ पोल से होकर यहाँ आते हैं टूवर्ड्स भिगवन, ऐसे सुना है हमने। और काफ़ी इसकी जानकारी भी है इंटरनेट पर। अगर आप गूगल करोगे भिगवन तो आपको सारी जानकारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो द फोटोज, पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स। तो वहाँ पर तो प्लानिंग है कि हम पहले वहाँ जाते हैं, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बोटिंग करेंगे 2 घंटे के लिए, और फिर देखते हैं आगे क्या। क्योंकि तो प्लान तो ऐसा चल रहा है कि शाम को कैंप फायर भी होगा। हमने सब कुछ ले लिया है, टेंट ये सब कुछ ले लिया है। तो देखते हैं, आप वहाँ जाने के बाद ही तय होगा क्या क्या करना है हमें। अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, फिर पहली बार जा रहे हैं हम टूवर्ड्स भिगवन, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं हमें। तो ये लाइट हाउस होकर हम जाएंगे टूवर्ड्स हड़पसर। आगे का चौक जो होगा वो होगा गंगाधाम चौक। रास्ते पे तो कोई है नहीं क्योंकि हम सुबह निकले हैं, अभी 5 बजे हैं। तो ये मैं हूँ जयदीप, और ये मेरी वाइफ योगिनी। ये फर्स्ट टाइम हम वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे होता है वीडियो ब्लॉग। ये आ गए हम गंगाधाम चौक में। वानोड़ी वो हम जाएंगे सड़क से। मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुका है क्योंकि 5 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, और आपको तो पता है सुबह इतनी सुबह निकलना तो 10-15 मिनट इधर उधर हो जाते हैं। पहुँच गए हैं हड़पसर, मगर पट्टा सिटी। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर से हमें रुकना है। देर हो चुकी है पहुँचने में। अभी तक हमें तो भिगवन में होना चाहिए था। फिर आज मुझे लगता है, आज मैंने जब सुबह पंचांग देखा या काल लेकर देखा उसमें तो सनराइज़ 7:03 पर था। अभी कितने टाइम क्या हुआ? अभी 7:05 हुए हैं, तो देर तो हुई है हमें। क्या हुआ, हम टोल नाके पे रुके थे, फिर बाद में यार हमारे साथ जो लोग हैं उनकी कार, उनकी राह देखते रुके थे हम एक जगह पर। दैट्स व्हाई वी आर लेट। और अभी भी पता नहीं कौन कहाँ पर है। अभी तो हमने कम्युनिकेशन किया था, मुझे लगता है 1 किलोमीटर आगे है एक गाड़ी हमारी, देखते हैं। पर रास्ता तो बढ़िया है, एक नंबर। मुझे लगता है हम आ गए, हम भिगवन में, भिगवन के पास तो आ गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। खड़की जो बर्ड्स जो देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ आते हैं ट्रैवल करके हज़ारों किलोमीटर दूर, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका टाइमिंग तो सुबह ही है, सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त। देखेंगे क्या होता है। और ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज माई फर्स्ट टाइम टूवर्ड्स भिगवन। तो आप एक डाइवर्जन ही दिखेगा हमें, वो देख रहे हैं कहाँ से। आई थिंक देर विल बी ए जंक्शन वेयर वी नीड टू टेक लेफ्ट, पता नहीं है, देखते हैं। और जैसे आपको बताया मैंने, मैं तो एकदम स्लो स्पीड में जा रहा हूँ, इट्स 80। स्पीड बढ़ा नहीं सकते इस रास्ते पर। एक बार मुझे फाइन बैठा था, जैसे मैंने कहा 3000 का फाइन, तो मुझे तो फाइन भरना नहीं है इस बार। क्यों फोकट में फाइन भरे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5-10 मिनट लेट हो जाऊँगा मैं। इट्स ओके। Muria, the beautiful place, beautiful lake. Oh, beautiful. I'm going to stop my car now. Oh, class. हे कॉर्मेंटो आहे, कॉर्मोनन हां, आणि मोठे आहेत ना ते ग्रे हेरॉन आहेत, राखी बगळे, ग्रे हेरॉन राखी बगळे हे इंडियन पॉन्ड हेरॉन आहे, हा छोटा कॅम्प क्लास झालाय तो ओडाला इंडियन पॉन्ड हेरॉन तुम्ही सेल्फी काढ ना जरा बघा इथे नीतू दादा और ये है ब्रेकफास्ट टाइम। प्रिया भाभी कांदा कट कर रही हैं। मिसल पाव की रेसिपी। प्रिया भाभी बताओ रेसिपी क्या की आपने?